स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में तबलीगी जमात का प्रकरण सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों में रफ्तार करीब दोगुनी हो गई है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अभी तक देश के 274 जिलों से कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात का प्रकरण नहीं होता तो देश में 7.4 दिनों में केस डबल नहीं होते, लेकिन अब ये संख्या 4.2 दिनों में दोगुनी हो रही है। उन्होंने बताया कि देश भर में बुधवार से उन जगहों पर रैपिड टेस्ट होगा जहां संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार और महामारी पर सरकार की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल से बात की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा से भी इस विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM ने अलग अलग पार्टियों के नेताओं से भी चर्चा की। इन नेताओं में सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव, स्टालिन और प्रकाश सिंह बादल के नाम शामिल हैं। देश कोरोना वायरस की महामारी से कैसे जूझ रहा है और सरकार की इसके खिलाफ क्या तैयारियां हैं, इस विषय पर इस दौरान चर्चा की गई। दुनिया में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या रविवार दोपहर तक 12,14,913 हो गई और इस संक्रमण की वजह से 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2,53,000 मरीज अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटे में 2,200 से ज्यादा लोगों की जान इस वायरस की वजह से जा चुकी है। एपिसेंटर माने जा रहे न्यूयॉर्क में 24 घंटे में 630 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में शनिवार को कुल 674 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। ये संख्या अप्रैल महीने के 4 दिनों में सबसे कम है। उधर ब्रिटेन सरकार उन लोगों से बेहद परेशान है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। नोएडा में धारा 144 लगाने के फैसले पर यूपी सरकार ने यू टर्न लिया है। नोएडा में 14 अप्रैल तक ही धारा 144 लागू रहेगी। इससे पहले पुलिस ने 30 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिए थे। नए आदेश के अनुसार 14 अप्रैल तक ही लागू रहेगी धारा 144। सिंगर कैलाश खेर रविवार रात एक वर्चुअल लाइव कंसर्ट प्रकाश आलोकन करेंगे। इसका मकसद कोरोना वायरस की लड़ाई में लोगों को एकजुट करना और कोरोना वॉरियर्स का समर्थन करना है। इस बारे में उन्होंने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ खड़े होने के लिए सभी देशवासियों और असली नायकों को धन्यवाद।